बॉलीवुड और टेलीविजन के कई सारे सेलिब्रिटीज ने इस बार शादी के बाद अपनी पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की। 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने 21 नवंबर को शादी की। दोनों ने शादी के बाद अपने घर पर पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की। दोनों ने अपने लोहड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीर भी पोस्ट की है। कुंडी भाग्य फेम एक्टर संजय गगनानी की भी इस बार शादी के बाद पहली लोहड़ी थी। संजय और उनकी वाइफ पूनम प्रीत भाटिया ने इस बार अपने होम टाउन सूरत में पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की। दोनों ने अपने परिवार के साथ घर पर जश्न मनाते हुए लोहड़ी बनाई और इसकी कई तस्वीरें और वीडियोस भी पोस्ट किए। तो वहीं बॉलीवुड के लव बर्ड कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने भी इस बार शादी के बाद पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की। दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें कैटरीना पंजाबी मुंडी बनकर लाल कलर के सलवार सूट में नजर आई, तो वहीं विक्की कौशल कैजुअल लुक में हैंडसम दिख रहे थे। दोनों ने अपनी शादी के बाद ये पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की है। तो वहीं आदित्य धर के साथ शादी के बाद इस बार यामी गौतम की भी यह पहली लोहड़ी थी। यामी की बहन सुरेली गौतम ने उनके लोहड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें यामी रेड कलर की साड़ी पहनी और ढेर सारी ज्वेलरी कैरी किए हुए नजर आई। इनके अलावा राजकुमार राव और वरुण धवन के घर भी शादी के बाद पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की गई, हालांकि दोनों ने अपने सेलिब्रेशन की कोई भी तस्वीर पोस्ट नहीं की है। तो दोस्तों, आपको इनके लोहड़ी सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।